राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया, यू आर वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दो तीन न्यूज देनी थी, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, सो सोचा सारी क्लियर कर देता हूं आपके साथ। सबसे पहले तो बता देता हूं कि जो एक्सप्रेस एंट्री का लास्ट ड्रॉ निकला था, वो निकला था 75, जो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए निकला था, सीईसी वालों के लिए निकला था। तो इस बार जो निकला है, सबको लगा था कि 350-370 ऐसे कुछ जाएगा, यहां से शुरुआत होगी, बट वो जो स्कोर निकला है वो निकला है 449, एंड 5000 लोगों को इनविटेशन लेटर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज पीपल, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट द इनविटेशन लेटर। और जो पहले जब 75 स्कोर निकला था तो 27,000 प्लस लोगों को इनविटेशन लेटर गई थी। इट मींस कि यहाँ पे जितनी भी फाइल लगी हुई थी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की, वो सारी की सारी फिनिश कर दी थी। बट अब जो ड्रॉ निकला है, आफ्टर मंथ निकला है, तो आई थिंक 5 वीक्स प्लस के बाद निकला है। 5 वीक्स के अंदर 5,000 फाइल्स और लग गई, जिनका 499 से प्लस स्कोर बनता था, सो उनको इनविटेशन लेटर चलेगी। 5,000 लोगों को इनविटेशन लेटर गई है, दैट्स प्रीटी मच सरप्राइजिंग। तो ये तो होगी एक्सप्रेस एंट्री के बाद। इसके बाद बात करता हूँ, जो मॉन्ट्रियल में पीपीआर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। काफ़ी मैं पीछे 2-3 वीडियोज इसके ऊपर भी बना चुका हूँ, बिकॉज कोई आंसर नहीं है। बट आज एक अपडेशन और मिली है, एवरीबडी इज सेइंग लाइक दिस कि मॉन्ट्रियल की जो पीपीआर आएंगी वो मार्च 31st के बाद आएंगी, बट कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रहा था। बट आज मुझे एक छोटा सा हिंट मिला है, वैलिड रीजन कह लो या कुछ भी कह लो, बट मुझे छोटा सा हिंट मिला है, वही क्लियर करना चाहता था। और मॉन्ट्रियल में कर्फ्यू चल रहा था अभी पिछले वीक तक, 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो अब वो कर्फ्यू जो है वो 9:30 से 5 बजे तक कर दिया, और जिम भी खुल रहे हैं 26th of March से, विच इज वेरी गुड न्यूज। बहुत लोग वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। जो पीपीआर है उसकी बात करता हूँ। पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है 10 कॉलेजेस की नहीं आ रही, बिकॉज जो एक सीए की सस्पेंशन हुई थी, आप सब लोगों को पता ही होगा, जो December 30th को न्यूज आई थी सीए की सस्पेंशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लेना। बाकी ये आपके सामने फोटो आ रही है, इसमें लिखा हुआ है कि March 31st, 2021 तक सीए की सस्पेंड किए गए हैं। मतलब इस टाइम पे न्यूज आई थी कि 31st मार्च 2021 तक सीए क्यू सस्पेंड कर दिए हैं। बट अब जो इन्होंने सीए क्यू सस्पेंशन वाली जो न्यूज थी, जो ये सीए क्यू सस्पेंड किए हुए थे, वो इन्होंने 2 हफ्ते बाद 13th और 14th को हटा दी थी और सीए क्यू आने शुरू हो गए थे। बट ये न्यूज फेडरल के साथ भी शेयर हुई थी। सो सीए क्यू क्यों आने लग गए थे? बिकॉज जो बच्चे ऑलरेडी इन कैनेडा में हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जिनका स्टडी परमिट और सीए क्यू एक्सटेंशन होनी थी, वो बच्चे वेट कर रहे थे और उन बच्चों को परमिट्स चाहिए थे, बिकॉज वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उन्होंने फीस पे कर रखी थी। सो उनको तो चाहिए था, इसलिए उन्होंने पेटिशन साइन करी, बहुत फोन करे, बहुत लोग लॉयर्स से बात करी, सबने कॉलेजेस से लॉयर्स में अपने बात करी, बहुत सारी चीजें हुई, और कॉलेजेस वाले इमिग्रेशन के पास गए, मिनिस्ट्री के पास गए, और उन्होंने सीए क्यू सस्पेंशन तो हटवा ली। बट ऑन द अदर साइड क्या हुआ, जो नए एडमिशन हो रहे थे सीए की, उनकी आने लग गई, पर जिनकी फाइल लग रही थी उन 10 कॉलेजेस की, इस टाइम पे पीपीआर उन 10 कॉलेजेस की नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। इन्वेस्टिगेशन उस टाइम हुई थी, इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी और 14 जन तक उनके सीए के सस्पेंशन हट गए थे। बट जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था वो 31st मार्च तक का आया था। सो अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, फेडरल को वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है और उस तक काम रोक के रखना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज द स्मॉल हिंट, बट बहुत बड़ा एक चीज भी हो सकती है कि कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, मिनिस्ट्री की तरफ से फैसला आया था कि 31st of March तक जो है सीए क्यू सस्पेंड किए जाएंगे। तो दैट मींस कि 31st मार्च तक उन कॉलेजेस के पासपोर्ट रिक्वेस्ट या स्टडी परमिट जो आउटसाइड ऑफ कैनेडा है वो भी नहीं आएंगे। सो ये चीज आज मैं बहुत ध्यान से मैं सोच रहा था कि कहीं तो कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे ये थोड़ा सा हिंट मिला। आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, मैं फैक्ट नहीं कर रहा कि ये हो सकता है सच ही है। जो मैंने अपने आइडिया लगाया एक, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आइडिया। हो सकता है कि यही एक रीजन हो
वो कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ही रुके पड़े हों, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो चुका है और CAQ तो आ ही आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं CAQ, चाहे इंडिया से आए चाहे कनाडा से आए। सो आई थिंक दिस इज द रीजन वो कोर्ट के ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद होपफुली कुछ गुड न्यूज आनी शुरू होंगी एंड आई होप जिन लोगों के वीजे स्टक हुए पड़े हैं उनके रिजल्ट आने लग जाएंगे। एटलीस्ट रिजल्ट तो बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉट अप्रूवल नीदर रिफ्यूजल, ऐसा जो सिस्टम होता है ना कि जो वेट होती है ना वो बहुत गंदी होती है, बिकॉज इतना पैसे भर के आपके इतने पैसे स्टक हो गए ना अगर, तो वो जो वेट हो रही है वो बहुत गंदी है। सो आई होप कि 31 मार्च तक सब कुछ आ जाए, 7-8 दिन अ वीक ही रह गया, होप सो कि 1 अप्रैल या 1st week of April में आई थिंक कुछ गुड न्यूज शुरू होंगी, और जैसे ही कोई गुड न्यूज मेरे को मिलेगी मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बना दूंगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम है रायन स्टूडेंट सर्विसेज, दूसरा इंस्टाग्राम है Kataria007, दोनों को फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होता है वहां पे भी पूछ सकते हो आप मुझसे, मेरी टीम अब उसको रेगुलरली प्रोसेस कर रही है क्वेश्चंस को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो अगर आपको स्टडी वीजा या CAQ या वर्क परमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, और कोई नहीं सिर्फ यही वाले, हाँ जो एक्सप्रेस एंट्री PR वगैरह का जो कंसल्टेंट्स वाला काम होता है वो, बाकी और कोई नहीं मत फिल करना, मेरी टीम रिस्पॉन्स नहीं करती, आई एम रियली सॉरी। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही प्यार करते रहो और जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर कर दो, होने वाले हैं, आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं इतनी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट स्टिल जितनी बनाता हूँ आप उससे ज्यादा ही डबल प्यार देते हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग Kataria TV, स्टे हेल्दी स्टे फिट।